ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 1991 के बाद टाटा ग्रुप में दो चीजें एक साथ शुरू हुई। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। उसी दौर में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था का काया पलट करना शुरू किया। टाटा के लिए दोनों बदलाव फायदेमंद साबित हुए। रतन टाटा के कमान संभालने के वक्त टाटा का टर्नओवर $4 बिलियन था। जब रतन टाटा गए तो $160 बिलियन के पार है। 1991 से 2012 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। टाटा के लिए ऊंचाइयों का हर सपना साकार करते गए। जैसे हर किसी की जिंदगी और करियर में एक दौर रिटायरमेंट का आता है, वैसा ही दौर रतन टाटा के लिए भी आया। 2012 में रतन टाटा रिटायर हो गए। लंबे वक्त तक चले टैलेंट हंट के बाद उन्होंने उत्तराधिकारी उस एक व्यक्ति को चुना जो टाटा नहीं मिस्त्री था। 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के छठे और सबसे यंग 44 साल की उम्र में चेयरमैन बने थे। मिस्त्री दूसरे चेयरमैन बने जो टाटा परिवार से नहीं थे। साइरस के लिए ये जितना बड़ा प्रमोशन था उतना ही बड़ा ट्रस्ट, जिसके लिए जाना जाता है टाटा ग्रुप और रतन टाटा। टाटा सन्स में 18% स्टेक वाली शाहपुर जी पालोंजी परिवार से थे साइरस मिस्त्री, जिसकी टाटा के साथ पार्टनरशिप 1936 से चल रही है। टाटा ग्रुप में सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर होता था शाहपुर जी पालोंजी ग्रुप। ग्रुप का मेन बिजनेस रियल एस्टेट है। देश की बहुत बड़ी बिल्डर कंपनी मानी जाती है, जिसने RBI की बिल्डिंग, टाटा ग्रुप की बिल्डिंग, ताजमहल टावर समेत कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स का निर्माण कर दिया। शाहपुर जी पालोंजी के दो बेटे शाहपुर जी और साइरस मिस्त्री हुए। दो बेटियां लैला और अल्लू हुई। अल्लू की शादी नोएल टाटा से हुई, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस तरह से साइरस और नोएल के बीच साले और जीजा का रिश्ता बन गया। रतन टाटा साइरस के जीजा जी के भाई ठहरे। इस लिहाज से साइरस मिस्त्री बाहरी होकर भी अंदर वाले ही थे। वहीं से रतन टाटा के करियर में साइरस मिस्त्री का नाम एक विवाद के तौर पर भी जुड़ा। रतन टाटा की पसंद थे डायनेमिक साइरस मिस्त्री। पहले ग्रुप का डिप्टी चेयरमैन बनाया, फिर चेयरमैन। कहा जाता है कि उन्होंने साइरस मिस्त्री को चुना भी, निकाला भी। क्यों, कैसे, ये सब अंदर खाने में कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इतना ही पता चला कि साइरस मिस्त्री के काम करने के तरीके और फैसलों को लेकर टाटा ग्रुप के अंदर असंतोष पनपा था। साइरस मिस्त्री का रतन टाटा से ही संघर्ष होने लगा। 4 साल में साइरस मिस्त्री की विदाई हो गई। 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को बर्खास्त कर दिया। कहा जाता है कि रतन टाटा ने साइरस के कैबिन में जाकर इस्तीफा देने को खुद कहा था। साइरस ने इनकार किया तो बोर्ड मीटिंग बुलाकर निकाल दिया। तत्काल कोई और विकल्प नहीं देखकर रिटायरमेंट छोड़कर रतन टाटा ने बतौर चेयरमैन री एंट्री की। जनवरी 2017 में एन चंद्रशेखर का नाम फाइनल करके फिर रिटायर हो गए रतन टाटा। आखिरी सांस तक रतन टाटा चेयरमैन एमिरेट्स रहे। देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वॉर बना रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का झगड़ा। निकाला क्यों, ये शायद साइरस मिस्त्री भी नहीं जान पाए। उन्होंने हार नहीं मानी। पूरे 5 साल तक रतन टाटा के टाटा सन्स के खिलाफ लड़े। 2018 में NCLAT ने मिस्त्री को दोबारा चेयरमैन बनाने का आदेश दिया, लेकिन टाटा सन्स भी अड़ गया कि साइरस को निकाल दिया तो वापस नहीं लेंगे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के फैसले पर मुहर लगा दी कि साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करने में कुछ गलत नहीं हुआ। टाटा की जीत हुई, मिस्त्री की हार। साइरस मिस्त्री की नेटवर्थ 70,000 करोड़ थी। टाटा की चेयरमैनशिप की जरूरत नहीं थी, किसी मेडल की तरह थी जो छिन गई। साइरस को रतन टाटा से मेडल मिला, शायद उनकी वजह से गया भी। इतने बड़े कॉर्पोरेट होकर एक बार टाटा से हारे तो फिर जिंदगी से भी हार गए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केस हारे। 2022 में मुंबई के पास पालघर में मर्सिडीज से अहमदाबाद जाते समय रोड एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के रिश्ते कभी सामान्य नहीं थे। साइरस मिस्त्री को श्रद्धांजलि देने या अंतिम संस्कार में भी रतन टाटा नहीं पहुंचे थे। टाटा सन से भी कोई नहीं गया। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा जरूर पहुंची थी। पालोंजी और साइरस के बाद परिवार के बड़े बेटे शाहपुर जी मिस्त्री ग्रुप के चेयरमैन हैं। श्रद्धांजलि देते हुए शाहपुर जी ने कहा कि रतन टाटा के चले जाने से एक युग का अंत हुआ है।
साइरस मिस्त्री रतन टाटा के करीब 35 साल लंबे बोर्ड रूम बैटल का सबसे विवादित किस्सा है, लेकिन उन्होंने ऐसे कई बैटल झेले और जीते। टाटा स्टील, टाटा कैपिटल और इंडियन होटल टाटा ग्रुप की तीन और बड़ी कंपनियां हैं। 1991 में चेयरमैन बनने पर रतन टाटा ने धमाका किया था। टाटा स्टील से रूसी मोदी, टाटा के केमिकल से दरबारी सेठ और इंडियन होटल से अजीत केलकर को बाहर किया। तब तीन कंपनियों की सत्ता पर तीनों दिग्गज एक छत्र राज चला रहे थे, जिसे ग्रुप की तरक्की के लिए घातक मानकर रतन टाटा ने चलने नहीं दिया। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।